ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को पत्र भी भेज दिया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की है। क्या है वो पूरा मामला जिसमें हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता ही चली गयी? बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया है। भाजपा ने इसे भ्रष्ट आचरण बताया है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की है। और ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की कैबिनेट में खनन वन मंत्री का पदभार भी सीएम हेमंत सोरेन के पास ही है। दरअसल आरटीआई के लिए काम करने वाले शिवशंकर शर्मा ने 2 जनहित याचिकाएं दायर कर सीबीआई और ईडी दोनों से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग उठाई थी। आरोप ये था कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टोन क्वेरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के परिवार पर शेल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। अब ऐसे में झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करेगी? अब हेमंत सोरेन के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद सोरेन परिवार में ही रहेगा। आपको बता दें कि भाजपा ने कुछ दिन पहले भी दावा किया था कि हेमंत विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी यानी कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ाएंगे। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत। शुक्रिया। स्पाइस न्यूज़ भारत, हर खबर